अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, मैं हूं डॉक्टर जारा। उम्मीद करती हूं कि आप अल्लाह पाक की रहमत में होंगे। आज मैं आपके साथ नुस्खा या टिप्स या फिर वेट लॉस की शेयर करना चाहती हूं। मैं कहती हूं कि गजब की है। अगर पेट की चर्बी कम करनी हो तो इस तेल में जो मैं अब आज आपको तेल बता रही हूँ, खाना पका कर आप अगर उसके अंदर खाने के अंदर भी थोड़ा सा ऐड कर दें, और यकीन माने आपकी चर्बी मिनटों में ख़त्म हो सकती है। हम बस ये है कि हम वो चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, ये हम उस चीज़ को समझते हैं। आपने क्या लेना है, जैतून का तेल। इतनी बड़ी आपकी मुश्किल, साइंसदानों की भी बहुत ज़्यादा, साइंसदानों ने जैतून के तेल में तो रखी है। हमारे नबी पाकलम ने जैतून के तेल के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें भी बताई हैं। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो इससे अगर हम जैतून के तेल की मालिश करें तो इंसान को अगर दर्द होता हो, हड्डियों का दर्द होता हो, तो यकीन माने वो ख़त्म हो जाता है। जैतून के तेल से वज़न कम किया जाता है। जहाँ पर भी मोटापा हो वहाँ पर अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हो तो यकीन माने आपका वज़न वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैतून का तेल अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हो तो कभी भी आपको कोई बीमारी, बुखार, कैंसर और ब्लड प्रेशर और बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां और बड़ी बड़ी दिल तक की बीमारियां भी नहीं लगती। अगर जैतून के फल को अगर आप खाते हो तो यकीन माने उसमें अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज जैतून के फल में भी है, और उसका तेल इस्तेमाल करो तो कोई बीमारी भी नहीं। घर में जैतून का तेल लाजमन होना चाहिए, इससे बरकत घर में रहती है। आपको पता है जैतून का तेल अगर आप एक घर के किसी जगह पर, ऊंची जगह पर रख दो तो घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होती। तो आप ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं जो जैतून के तेल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, एक मतलब कि टिप है, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपका वज़न भी ख़त्म हो जाएगा और कभी वज़न नहीं बढ़ेगा। आपने क्या करना है, जैतून का तेल आपने एक चम्मच ले लेना है, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर लोशन भी ऐड करना, कोई सा भी आप ले लो, ग्लिसरीन ले लो, और थोड़ा सा आपने मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा आप इस्तेमाल करेंगे। आपने इन सब चीज़ों को क्रीम टाइप बनाना है, ठीक है, क्रीम टाइप आप बना लें। दो चम्मच आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ें नॉर्मल। अच्छा, आपने जब भी बना लेना है, आपने थोड़े से चंद कतरे इसके अंदर लेमन के निचोड़ देने। आपने ये क्रीम बना के ना आपने अपने जिस्म पर जहाँ पर भी आपको चर्बी लगती है या मोटापा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप गर्दन के पास या गर्दन की जो मतलब कि ठोड़ी के पास भी बहुत ज़्यादा चर्बी अक्सर दबा खाती है, वो चेहरे पर आप ये पेस्ट हल्का थोड़ा सा लेकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो, तो यकीन माने आपका जो मोटापे का मसला है वो हल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत प्यारी जो टिप पसंद आई होगी। इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर जारा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। तो मैं हूँ डॉक्टर जारा, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुँच जाए, और इस बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका कोई परेशान दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको भी ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो ताकि उसकी मदद की जा सके। एक इंसान की मदद करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की, परेशान हाल लोगों की मदद करना। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाले